अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली। जिले में जल के निचले स्तर को देखते हुए मुगेली कलेक्टर द्वारा बोर खनन पर रोक लगाई गई थी और विशेष परिस्थिति पर ही बोर करवाने के लिए परमिशन दिया जा रहा था। बावजूद इसके जिले में अवैध रूप से बोर खनन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला मुगेली क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें अवैध बोर खनन की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी मुगेली द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और तत्परता दिखाते हुए दो दिनों में 3 जगहों से 5 बोर गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए जब्ती की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार शालिनी तिवारी द्वारा खैरा व बोधीपारा में और नायब तहसीलदार उमाकांत जायसवाल द्वारा शिलदहा में, दोनों द्वारा कुल 5 बोर गाड़ियों पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जल स्तर को देखते हुए मुंगेली जिले में अवैध बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति पश्चात ही बोर कराया जा सकता है। बहुत से आवेदनों में जांच उपरांत अनुमति दी गई, उसके बाद भी बहुत से अवैध बोर कराए जा रहे थे, जिसमें कल नायब तहसीलदार को भेजकर कार्रवाई की गई, जिसमें ग्राम शीतलधाम में एक बोर गाड़ी को पकड़ा गया है। इसके अलावा बुधीपारा में और उत्सा में एक गाड़ी को पकड़ा गया है। कुल 3 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामझाजर। अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुगेली।